नमस्कार, कविता की थाली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं साबुदाने की खिचड़ी। वैसे तो साबुदाने की खिचड़ी व्रत के लिए बनाई जाती है, लेकिन आप इसे जब मन चाहे तब बनाकर खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन सारी चीजों की आवश्यकता है। साबुदाना खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 कटोरी साबुदाना, जिसको मैंने रात भर भिगोकर रखा था। आप चाहे तो 7 से 8 घंटा भिगोकर रख सकते हैं। उसी के साथ हमें यहाँ पे लगेगा 1 कटोरी मूंगफली, जिसको मैंने भून लिया है। इसके ऊपर का छिलका मैं निकाल दूंगी और इसे दरदरा पीस लूंगी। 1 टेबलस्पून जीरा लगेगा, 2 से 3 टेबलस्पून घी लगेगा, 1 टेबलस्पून या स्वाद के अनुसार हमें सेंधा नमक लगेगा, थोड़ी सी शक्कर, 4 हरी मिर्चें, 1 नींबू और 2 मीडियम साइज के आलू मैंने यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक सर्विंग बाउल लिया है, उसके अंदर हम लोग डालेंगे साबुदाने को। इसी के साथ हम लोग डालेंगे मूंगफली को, जिसको मैंने दरदरा पीस लिया है। इसी के साथ हम लोग डालेंगे सेंधा नमक, स्वाद के अनुसार हम लोग सेंधा नमक डालेंगे और थोड़ी सी शक्कर। अगर आप शक्कर पसंद नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन शक्कर डालने से इसका स्वाद बढ़ता है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आइए अब हम इसके लिए तड़का बनाते हैं। खिचड़ी का तड़का बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा के रखी है, कढ़ाई गर्म भी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। आप चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें मैं घी डालूंगी। घी जब गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, साथ ही में डालेंगे 2 हरी मिर्चें, जिसको मैंने काट के लिया है, और इसे एक बार मिला लेंगे। अब इसी के साथ हम लोग डालेंगे आलू को। आलू को मैंने यहाँ टुकड़ों में काट लिया है और इसे 1 मिनट तक ढककर रख देंगे। बीच बीच में निकाल के देखेंगे हम लोग। एक मिनट बाद ढक्कन निकाल के थोड़ा सा हिला लेंगे इसको। आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं, ताकि आलू जल्दी पक जाए। इसी के साथ हम लोग डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। याद रखें कि हमने खिचड़ी में भी नमक ऐड किया था, इसीलिए इसमें थोड़ा ही नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको और 1 मिनट ढक्कन लगा के बंद कर रख देंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम देखते हैं आलू पके हैं या नहीं। आलू यहाँ पे अच्छी तरह से पककर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, साबुदाने को जो हमने नमक, शक्कर और मूंगफली पाउडर के साथ मिक्स करके रखा था, उसको इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा के बंद करके रख देंगे। 1 मिनट हो चुका है, खिचड़ी हमारी यहाँ पे पक गई है। बहुत ही खिली खिली ऐसी खिचड़ी बनकर यहाँ पे तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 नींबू लेके इसका जूस इसके अंदर डाल देंगे। खटाई आप अपने हिसाब से डालें और एक बार हम इसे मिक्स करके सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट ऐसी साबुदाने की खिचड़ी यहाँ पे बनकर तैयार है। इसे जब मन चाहे तभी बनाएं और खाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी पसंद आए और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसी ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ मैं कविता की थाल में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए हंसते रहे और खाते रहे। धन्यवाद।